यकीन जानो कि जब मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत हमने की थी तकरीबन 5 साल पहले जलगांव शहर में, तो हम सियासत करने के लिए नहीं आए थे मेरे भाई। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है और जलगांव की आवाम गवाह है उस बारे में कि हम सिर्फ मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे थे 5 सालों से। सियासत पहला मकसद नहीं है मजलिस का, ना हमारा मकसद था। हमारा पहला मकसद था खिदमत करना, दूसरा मकसद था इत्तेहाद करना, तीसरा है एजुकेशन, और चौथा और आखिरी मकसद है हमारा सियासत। क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको सियासत में आना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने सियासत को चुना। जब हमने काम की शुरुआत की तो यकीन जानो कि उस वक्त हर शहर में लीडरान होते हैं, शिवसेना के होते हैं, बीजेपी के होते हैं। जब हम जैसे नौजवानों ने काम की शुरुआत की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो जलगांव शहर के गली से लेके शहर और शहर से लेके जिले तक के लीडरान ने हमारी मुखालिफत की। इतनी मुखालिफत की कि जब वो हमारे काम देखते गए दिन ब दिन, तो एक वक्त ऐसा आया कि शहर के एक बहुत बड़े नेता ने हमको एक मैसेज भेजा कि अगर आपने ये MIM करना बंद नहीं किया और इस प्लेटफॉर्म से काम बंद नहीं किया, तो जिस तरह से इलाका है मैरून के नौजवानों को सिमी की केसेस में अंदर डाला है 10-10 साल के लिए, उसी तरह तुम्हारा भी नंबर आएगा। बंद कर दो ये MIM कहना। यकीन जानो कि उस वक्त ऐसे बद से बदतर हालात थे, उस वक्त भी अल्लाह ने हमारी गैब से मदद की। मैं एहसान मंद हूं उस रब्बुल आलमीन का कि हम डरे नहीं और ना ही घबराए, हमने मुसलसल जद्दोजहद को जारी रखा। वक्त गुजरता गया और जो लोग हमारी मुखालिफत कर रहे थे, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उनके दिलों को बदल दिया और वो लोग आज ऐसा वक्त आ चुका है जलगांव शहर में कि अगर कुछ मैटर होता है तो वो बाजू में बैठा कर बात करते हैं, कुछ होता है तो वो फोन करके बोलते हैं कि जिया भाई ऐसा है ऐसा कर लो, हम आपके आड़े नहीं आएंगे। अल्लाह का एहसान करम है। यकीन जानो जब हमारी जलगांव जिले में पहले सबसे पहले जब इलेक्शन शुरू हुए तो वो भुसावल नगर पालिका में हमने हमारे नुमाइंदों को खड़ा किया, वहां पर किसी वजह से हमारी शिकस्त हुई